गाइस, भाई। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है और समीर। मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, इमरान खान लेटेस्ट ट्रेंडिंग टिकटॉक गैजेट्स और लेटेस्ट खबर यही है, उसी के केस में जो लास्ट साल 7 साल केस, वो 7 साल जेल हाँ वही रखी हुई है, और जो दरख्वास्त थी वो खत्म कर दी है। और इसके अंदर ये दिए जो राणा सनाउल्ला बोल रहे थे, क्या पता और केस बने, कुछ बने, हमको बता के केस बनेगा, पर केस नहीं बना क्योंकि उनको कंफर्म था केस के अंदर जेल चलेगी। पर अभी सारे मुल्क में ये हो रहा है कि जो इमरान खान के जो उमर अयूब साहब जो हाँ भी हैं वगैरह वगैरह, उनके ऊपर लोग भारी पड़ गए हैं कि तुम कर अच्छा, क्या रहे हो, तुमको साल इमरान खान को रखे हुए अंदर हो गया है, तुम मेरा कॉल भी क्यों यही नहीं सवाल करते है। हो? इसका रिएक्शन से पहले मैंने यार, इतना टाइम हो गया खान साहब को मतलब अंदर रखे हुए, जब एक मतलब उनकी वाइफ ने भी सब कुछ कर दिया। पता नहीं कहाँ मरे पड़े हैं वो लोग जो मतलब आगे आते दीन के नाम पे बात करते हैं, वो कहाँ नहीं, मरे बात पड़े वो हैं। एक कर तरह रहा से है वो एक तरह से वो जो केस है ना इज्जत वाला, इज्जत वाला। उसमें एक बड़े बड़े उलमा पाकिस्तान के अंदर हैं जो कि उनको बोलना चाहिए, जब बीवी गवाह बन के बोल रही है तो उनकी नहीं सुन रहे, तो उनको तो बोलना चाहिए, सब चुप बैठा है। वही मैंने फिर वीडियो देख गुस्से में लेते बोला हैं, कि कहाँ मरे पड़े एक तरह से यार। वीडियो देख लेते फिर बात करते हैं। सो 3 2 एंड स्टार्ट। कुछ लोग गुलाम बनके ही सही 100 साल जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक दिन भी जिए तो सुल्तान की तरह जीना चाहते हैं। बात है ये सही है। 325 दिन हो गए, मतलब मेरे पाकिस्तानियों, टाइम ही इतनी जल्दी गुजर रहा है, दिनों का नहीं पता हम चल तो रहा बिजली के अलावा पंखों के अंदर है, एसीओ के अंदर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा अपनी पूरे सिस्टम का बात में ये मनाजर आप ये देख सकते हैं, ये मनाजर है, ये लोग देख पत्थर मार रहे हैं, ये मनाजर है, लोग आप वर्कर्स में शदीद गम गुस्सा आप ये देख रहे हैं। उमर अयूब को यहाँ से भगाया गया है, वर्कर्स की जानिब से, वर्कर्स की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और उमर अयूब को यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर से वर्कर्स की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा था। हाँ जी, ये मनाजर है इस टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर के, और आपने देखा किस तरह उमर अयूब को यहाँ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने गम गुस्से का आधार किया कि अभी हमें सड़कों पे निकलना होगा, अब इस तरह अदालतों से फैसले नहीं होंगे। ये मनाजर है इस टाइम यहाँ अदालत के बाहर के पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवानों का शदीद गम गुस्सा आप देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं वो पहुंचे हुए थे, और इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हवातीन भी एक बड़ी इस्तीफा दी है। निकाह केस में सजा मुअत्तल की दरख्वास्त मुस्तरद। ये बोल रहे तुम कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो, तुम खुल के सामने क्यों नहीं लड़ते? मेरा भी यही सवाल था, इतना काय का हो गया यार, मतलब वो अच्छा बनने का पटियाला में उम्मत का लीडर बैठा है, मलंग आदमी बैठा है, माफ कर देगा, उससे बात करो फिर पाकिस्तान चलेगा। जब तक इमरान खान हटियाला में है पाकिस्तान इसी तरह चलेगा। मैं एक अहदेदार हूँ, मैं यूथ विंग का अहदेदार हूँ, इमरान खान की रिहाई के मुतालबे के लिए पार्टी की आदत से अपील करते हैं, तो पार्टी की आदत की जानिब से 100 पॉज की धमकियां दी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि आपको डीनोटिफाई कर देंगे। मुझे आज एक सवाल का जवाब दें, मैं लानत भेजता हूँ तमाम मौतों के ऊपर, चीजों के ऊपर जहाँ पे आप कंप्रोमाइजिंग लीडरशिप बैठी हो। मैं लानत भेजता हूँ सारे सिस्टम के ऊपर जिस क्यादत के नाम पर आप वोट लेकर आ रहे हो, जिस इमरान खान ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि आज तुम असेंबलियों में बैठो, तुम्हारी हैसियत इस एक काउंसलर बनने की नहीं थी। खुदा की कसम, हमने इनको वोट इसलिए नहीं दिया कि आप पार्लियामेंट में जाके बैठे, हमने इनको वोट दिया इमरान खान को पायलट निकालने के लिए। ये जायज है भाई, जायज है, अपनी जगह पे सही है ये लोग।
खान का सिर्फ एक मुतालबा था कि हम लोग गर्मी की 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी में अगर यहाँ मौजूद है अपने लीडर के लिए, तो उमर अय्यूब जैसे लोग क्यों नहीं मौजूद 10 मिनट भी जो कारकुनान के साथ यहाँ खड़े नहीं रह सकते। लीडर किसकी वजह से बने? इमरान खान की वजह से बने ना, तो इधर क्यों नहीं खड़े हो सकते? उधर क्यों नहीं हम जा सकते? इमरान खान की वजह से मैंने जेल में बंद किया। नहीं कोई चारों तरफ एक बात चली, ये शेरदल बोलना भाई मैं इनकलाब की कॉल दे रहा हूँ, जबकि ये अंडरग्राउंड ये तो बता के अगर खान साहब को कुछ हुआ तो वो लीडरशिप को लोग नहीं छोड़ेंगे। ये सबूत है, ये सबूत है, ये सबूत है। छिट्टे भाई लोग यार सारे एक तरफ खड़े हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी होगी, अकेला इनका मुकाबला करो। सिर्फ तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान अल्लाह। ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आवाम के बीच में आऊं, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता नहीं कब आएगा ये दिन वापस। पहली बात ये उमर अय्यूब के ऊपर ठीक गुस्सा निकला है। अपोजिशन लीडर किसकी वजह से बने? इमरान खान की वजह से बने हैं ना, तो इधर क्यों नहीं खड़े हो सकते? उधर क्यों नहीं हम जा सकते? इमरान खान की वजह से मैंने बने हुए 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है उसको। उसकी क्या गलती है कि 2 साल से उसको बंद किया हुआ है? साल होने वाला है, साल से साल होने वाला है। क्या मुतालबा है, क्या कह रही है? आप लोग को क्यों नहीं समझ आ रही? अदालतों से नहीं होना अदालतों से भाई, इनको रोड पे आना होगा। आपको नहीं पता इस मुल्क का अदालतें कैसे काम करती हैं? क्यों नहीं आपको समझ आ रही? तो आप क्या मुतालबा करेंगे? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एमएनए भी नहीं हूँ, काउंसलर भी नहीं हूँ। मुझे क्या है, मुझे कोई होता है मेरे साथ कि मुझे कोई लालच है? सड़कों पे निकलना चाहिए। तो हमें जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहे? वो क्यों बैठ, शर्म इनको नहीं आती? निकाह का केस डाला हुआ इसके ऊपर, निकाह का केस डाला हुआ। वाकई जो फैसला आया है इद्दत केस में, वो फैसला ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सजा मौतली की दरखास्तें थी उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। अब जो जज साहब है 22 सेकंड के अंदर फैसला देकर वहां से खिसक गए हैं। जज साहब ने कहा फैसला तुम लोगों को मिल जाएगा, फैसला ये है कि हम दरखास्त मुस्तरद करते हैं, उठकर चले गए। यानी कुर्सी पर आप पूरी तरह से तशरीफ भी जज साहब ने नहीं रखी थी, ठीक तरह से टिक कर बैठे नहीं थे, उससे पहले फैसला देकर जज साहब चले गए। इसका मतलब यह है कि इद्दत वाला केस एक बदबूदार केस, एक दो नंबर केस, एक घटिया, एक काला केस। इसका मतलब यह है कि ये जो काला केस है ये पाकिस्तान के लिए बदनुमा दाग बन गया है, हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर ये जो बदनुमा दाग बन गया है उसको कायम रखना है। और सबसे बड़ा इंसानों के अंदर जो मैंने फर्क देखा है वो है गैरत। एक गरीब आदमी भी जिसमें गैरत होती है दुनिया उसकी इज्जत करती है। अरबपति की कोई इज्जत नहीं करता जो अपनी इज्जत नहीं करता। कभी भी किसी कौम को आजादी प्लेट में नहीं दी गई, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये मान है कि मौत बेहतर है गुलामी से, इससे बेहतर है मर जाओ गुलाम रहने से। आप ये जो देख रहे हैं मुल्क में कि चोर जो 30 साल से चोरी कर रहे हैं और वो आज आके बारी बारी सारे अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं, क्या मैं अकेला हूं? मैंने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का कि करप्शन के खिलाफ लड़ूं, क्या और किसी की जिम्मेदारी नहीं है? अल्लाह ने कहा है मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों इनके सामने खड़ा होना। आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का बेताज बादशाह कौन है? और आपने खान साहब के अलावा नाम लिया। खान साहब ही तो है। कैदी नंबर 804 इनके अलावा और कोई नहीं भाई। भाई उस बंदे ने बड़ी इज्जत के साथ जलील करा उसको, बदबूदार केस, बदबूदार केस। और मतलब 2 मिनट में अपना देके फैसला और सरक गए एक तरह से। नहीं इसमें दीदी सियासत अगर समझाऊ ना,
कोई लीडरशिप से खड़ा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता हम खड़े होंगे तो हम पे केस डाला जाएगा और नो में क्रिएट किया जाएगा। और एक बात ये भी एक बात बता दू, श्रीलंका, तुर्की, कनाडा, इसमें से कोई बंदा ऐसा नहीं था जिन्होंने कहा शहर को बंद कर दो, आग लगा दो, कुछ ऐसा कर दो, वो खुद निकले थे। ये जो आज बोल रहे हैं हुकुम करो हुकुम करो, मैं कहता हुकुम नहीं करेगा वो, उसको पता मैं हुकुम करूंगा मेरे पे फिल्म डाली जाएगी। सही हकीकत है। और इमरान खान साहब कभी नहीं बोलेगा, वो पुरमन एहतजाज बोल देगा, पर पुरमन से कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। पुरमन से कुछ नहीं होता। और ये तुम इसका भी बता रहे थे, क्या बोलते हैं, क्या नाम है, शेर अब्दुल मरवत का, के इनकलाब, इनकलाब यार मेरे को ऑफिशियल का नहीं पता क्या सीन है इनका। भाई ये तो निकल चुका, इसने बोला था कि जब मेरे को इमरान खान साहब बुलाएगा तब मैं लौट के आऊंगा, बाकी जो अभी की जो कह रहा था अंडरग्राउंड वाली, फिर वो सही अंडरग्राउंड थोड़ी है, वो अपने ऑफिस के अंदर अपने मुंह से बोला खान साहब, वो इतना ज्यादा सामने नहीं आ रहा, मतलब जब उसको सामने आना था आ चुका था, उसके बाद बोला मेरा इनसे वास्ता नहीं लीडरशिप से, ये ये वो लोग है, मेरा इनसे बनती भी नहीं है। अच्छा। मैं इमरान खान साहब बुलाएगा तब आऊंगा। अच्छा इमरान खान साहब बुलाएगा, उसका कहना ये कि इंकलाब लाओ, केसों से कुछ नहीं होने वाला यार, हकीकत है। अभी ये आवाम क्यों कर नहीं, अभी इनका सोचना है कि ये जाएंगे दूसरी कोर्ट वहाँ केस ठोकेंगे, पता चले इमरान खान साहब पे चार केस और आ गए, अब ऐसे नहीं यार, यार एक तरह से वही बात है, इतना भी अच्छा बनने का क्या मतलब यार, जो इतना टाइम गुजरे जा रहा, तुम्हारा लीडर भी मतलब अंदर वो सड़े जा रहा है के अंदर यार, कौम को पूछना नहीं चाहिए कि हमें करना, तो कर रही है ना यार, कर रही ये है, भी जो गाड़ियों पे मार रही है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं है ये तुर्की में ये नहीं हुआ था, श्रीलंका में ये नहीं हुआ था, जितनी इमरान खान की फैन फॉलोइंग है ना यार, वही बात है, फिर आवाम भी यही चाह रही है कि एक तरह से हम भी अगर कदम उठा दें, फिर वो भी खान साहब पे और फटीक ना बन जाए, जैसे अवाम ने खान साहब ने तो बोला ही नहीं ना, जैसे अवाम ने वो कौन से मतलब गेट पे यार जला दिया था गेट वगैरह और मोर वगैरह चोरी करके ले गए थे, वहां पे वो भी केस इमरान खान के ऊपर बिल फटा था एक तरह से, उस पे बिल फटा इसलिए था कि वहां बोला नहीं था ना खान साहब ने, वहां पे भी तो साहब ने बोला तो नहीं, पर अब तो खान साहब जेल के अंदर है, अब क्या कर लेगा खान साहब, अब क्या कर लेगा, वही कह रहा हूँ कोई और फटीक बना के, ये भी देख तुच्छा सा केस इन्होंने चढ़ा के बढ़ा के आगे कर दिया एक तरह से, तो ये और फटीक बढ़ा के और लंबे खाचे में चला गया, मायूसी तो ऊपर है, पर ये वाला थोड़ा दिल तोड़ाने वाली बात थी कि मतलब 3-2 महीने केस और आगे हो गए, और हो गए, इसको खींच खींच के आगे लंबा करेंगे, अब की बार ये के पता भी नहीं है खान साहब के दिमाग में क्या है, उनको पहले इलम तो होगा केस मेरे पर ठोकेंगे, इलम तो होगा उनको, ऐसा नहीं है जो 22 सेकंड फैसला उठ के चला गया, देखना यार अब वो उस भाई का भी वोट, वो वोट बोल रहा हूँ उसने जो अल्फाज बोले, नहीं नहीं दूसरा जो न्यूज रिपोर्टर जिनसे सवाल जवाब कर रहा था उसने बोला था यार हमने खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि ताकि हम खान साहब को नहीं, साहब ने उसकी लीडरशिप को मतलब वोट इसलिए दिया था कि एक तरह से उसको जेल में रखे, एक तरह से हम इसलिए थोड़ी दिया था एक तरह से कि मतलब जेल से बाहर आया है, अब तो उनको ये उम्मीद हो गई कि अब जेल से आने ही वाला ही नहीं है खान साहब बाहर, सीधी उंगली से नहीं आने वाला। और जो बाकी जो बची कुछ लीडरशिप है वो भी बाहर निकल ली ना, वो सीधा सीधा ये बोल रहा है यार, मैं तो बताऊं ये सोच रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना चाहिए, खान साहब से भी नहीं आवाम से, आवाम के साथ मिलके करे, आवाम को बताऊं, आवाम को ये समझना चाहिए कि अब खान साहब अगर जेल में है वो नहीं जवाब दे रहा तो ये बात करे शेर अफजल मरवत, क्योंकि शेर अफजल मरवत ही बंदा ऐसा है जो मतलब वो उसको खान साहब इजाजत देगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, उसको पता खान साहब यार अवाम जब उसको बोले ना कि यार अगर खान साहब, खान साहब के लोग नहीं है ये खान साहब के लोग नहीं है, ये इमरान खान के लोग हैं, शेर अफजल अगर ऐसा पाकिस्तान लड़ेगा तो भी खान साहब का बंदा का अकाउंट होगा, क्योंकि था तो सही ना, मेंबर तो है ना, बाहर थोड़ी है, ये वाली वीडियो हमको बाकी, और ये ऐसा नहीं है कुछ लीडरशिप के लोगों ने कॉल दी आज के दिन की, अभी पता नहीं आज के दिन में क्या क्या अपडेट आएंगे, क्या क्या नहीं आएगा, या खान साहब के अंदर कोई ना कोई अपडेट, अगर खान साहब ने बोल दिया ना चुप हो जाओ सब, मेरा कोर्ट दूसरी कोर्ट में केस जा रहा है, ये चुप हो जाएगा, अगर खान साहब ने ठंडा हो जाएगा तो 3 महीने खान साहब आगे बढ़ जाए, कोई जवाब नहीं देता वो अलग बात है, लोग कुछ और करेंगे, खान साहब जवाब देता है वो अलग सीन है, देखेंगे आज के दिन में क्या होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जो आपको लगता है माहौल में क्या क्या हो रहा है वो बता देना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय।